फ्रेंड्स नमस्कार। लगता है RIE भोपाल अपनी फुल फॉर्म में आ गया है और फटाफट फटाफट आज सबसे पहले BEd और MEd दोनों के एंट्रेंस हेतु आज मेरिट लिस्ट काउंसलिंग के लिए घोषित कर दी है। तो हम चलते हैं सीधे RIE भोपाल की वेबसाइट पे और देखते हैं BEd साइंस एंड मैथमेटिक्स, BEd सोशल साइंस एंड लैंग्वेज एंड MEd और इंस्ट्रक्शंस। तो ये सबसे पहले BEd MEd के लिए इंस्ट्रक्शंस है, ये बाद में देख लेंगे, MEd का देखते हैं सबसे पहले। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर MEd फर्स्ट सेमेस्टर काउंसलिंग 2020-21। ये डेट ऑफ काउंसलिंग है 2 नवंबर काउंसलिंग की डेट है, रिपोर्टिंग टाइम है 9:30। तो मध्य प्रदेश कैंडिडेट नेम है अंकित सिंह राजपूत, फादर्स नेम यहाँ कैटेगरी है, यहाँ मार्क्स है और यहाँ ओवरऑल मार्क्स है, यहाँ रिमार्क है। तो MEd के लिए मध्य प्रदेश से अंकित सिंह राजपूत, ज्योति कुमारी और चंचल झाला ये आपके इसमें जनरल में सेलेक्ट हुए हैं। और मध्य प्रदेश से कोमल नामदेव और शिरीन खान ये OBC से हैं, और मध्य प्रदेश से SC से हैं वंदना रागौर और मध्य ST से हैं पुष्पा परनामे। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, ये आप नंबर देख लेना। आप आगे मध्य प्रदेश से EWS से सृष्टि श्रीवास्तव, महाराष्ट्र जनरल है निशी रिचारिया, अदिति गीते, वैशाली सराटे, रत्ना राज और रंजिता नायर, ये देख सकते हैं आप कम परसेंटेज पे हो गया 54.37 जनरल से हैं। यहाँ जनरल की में और भी कैटेगरी के लोग आए थे ST और OBC। यहाँ महाराष्ट्र OBC है, शिवराज भारद्वाज हैं, गोपाल कदम हैं और शिल्पा मालवीय हैं, महाराष्ट्र से ही नविता विद्याश्री पचोरे और महाराष्ट्र SC से शिवशंकर नायक, और महाराष्ट्र EWS समीर कोसर और अब्दुल राउ, ये गुजरात जनरल है अग्रेशा दवे, कुमारी महिमा, शिल्पा आचार्य 84.51 फ्रॉम MP। यहाँ गुजरात जनरल पे MP का आया है। यहाँ देखिए आप, शायद कोई कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं किया होगा, नहीं तो 76 गुजरात वालों का 2 का नंबर आ गया, यहाँ फिर 84 गुजरात वाले, यहाँ MP वाले का नंबर आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ कोई या तो कोई योग्य कैंडिडेट नहीं होगा जिसने अप्लाई किया हो, तो यहाँ इसका नंबर आ गया। गुजरात OBC पुष्पा यादव है और सद्भावना परमार है। गुजरात SC विनोद कुमार, EWS प्रियांक जैन और छत्तीसगढ़ जनरल अतुल तिवारी, छत्तीसगढ़ OBC सिमरन यादव और छत्तीसगढ़ SC योगिता नरपुरे, गोवा दमन दीव अवनी त्रिपाठी और गोवा दमन दीव OBC में आते हैं वंदना राठौर। तो ये हो गई आपकी PW में अजहर अहमद। तो ये आपकी हो गई MEd की लिस्ट हो गई है। BEd सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश से प्रियांशु कार्तिकेय हैं, BEd में थी, BEd की देख रहे हैं, और काउंसलिंग डेट है वही 2 नवंबर 2020 9:30 से। तो ये मार्क्स हैं यहाँ पे और ये फादर्स नेम है, देखिए प्रियांशु कार्तिकेय, डी शंकर और तान्या कुमार, सविता ध्रुवे, आप देख लीजिए खुद। मानसी जायसवाल, राजा बाबू सोनी, नानेश्वर देवेश्वर ये OBC से हैं। मध्य प्रदेश SC आयुष गेदम, अरुणा नागोदिया, ST से हैं मक्खन सिंह और EWS से आनंद भार्गव और मध्य प्रदेश PWD अंकिता साजवान। तो अब आते हैं महाराष्ट्र जनरल, रैना साहा, दीपी शिखा वर्मा, कोमल तिवारी, आम्रपाली, वेग पैजान और नेहा सिंह, आशीष अहमद और शीजा अख्तर, ये इस आ गए महाराष्ट्र जनरल से। ये OBC से हैं सुयोग काले, आसमा अंसारी, अरुणा सिंह, शिखा कुर्मी और SC से हैं दीक्षा मारुकर, निकेश गवाई, महाराष्ट्र ST प्रियंका मार्को, EWS विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ जनरल कविता, OBC लीलावती, छत्तीसगढ़ SC अजय कुमार माथुर, गुजरात जनरल ओजस्वी शिरोले, रक्षिता सक्सेना, गीता तोमर, प्रार्थना सोनी, OBC गुजरात की पीयूष तांबरे, रितु यादव, दिव्या गोहिया, मोहन सिंह देवाल और EWS में मोहनी सिंह, गोवा से अनिरुद्ध गोयल हैं, शुभांग सिंह ठाकुर हैं और गोवा OBC है, गोवा दमन दीव और ये दीप्ति हैं, EWS से है हुस्ना रानी। तो ये हो गई आपकी लिस्ट BEd सोशल साइंस एंड लैंग्वेज की। अब साइंस की लिस्ट और देख लेते हैं, इनकी काउंसलिंग भी वही समय दिया गया है 2 नवंबर 2020, समय रिपोर्टिंग टाइम है 9:30। तो ये देखिए मध्य प्रदेश से राहुल कुमार पांडे, ये यहाँ परसेंटेज दी गई है
दिव्या मैथिल मैथिली मैथिल और योगिता शर्मा सोनम पटेल। ओबीसी में कोसर खान, रेखा चोरे, सुमन यादव। एससी से आभा सिंह, रूपाली पटनारे और लीलू परास्ते हैं। ये एसटी से मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस शक्ति दीक्षित। और महाराष्ट्र में जनरल में चलते हैं, स्वाति ठाकुर, मोनिका मिश्रा, पुष्पम क्रांति सिंह, अचला पुना से हेमंत ननवारे, रागिनी कुमारी, सूरज सालुके और दया शंकर श्लोक। ठीक है, दयेश्वर श्लोक सॉरी। महाराष्ट्र ओबीसी जयेश बड़े, प्रीति बघेल, आकाश सावरकर, सावरकर, सचिन गंगड़ सॉरी। महाराष्ट्र एससी शिवरत्न जमोनी, रीनू रीना, राजू मनवार। महाराष्ट्र एसटी प्रज्ञा वंदना टिग्गा। और महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस से हैं यश कुमार पाल, कीर्ति ओझा, रोमा सरकार, मीनी राजपूत, प्रियांशु चौहान। और गुजरात ओबीसी से दीपा कुमारी, फिरदौस कुरैशी, विवेक चंद्रवंशी। और गुजरात एसटी से गुरुप्रीत चौहान, ईडब्ल्यूएस उत्कर्ष दुबे, छत्तीसगढ़ विराज महाकुड। ओबीसी से प्रवीण चौधरी, एससी से प्रियांशी जम्भुलकर, ईडब्ल्यूएस रश्मि गौतम, गोवा दमन दीव आदि से जनरल से हर्षित तिवारी, हर्षी गुप्ता और गोवा दमन दीव ओबीसी रिचा शाह। इस तरीके से लिस्ट है और यहाँ देख लीजिए आपके लिए क्या निर्देश हैं। ये निर्देश आपको यहाँ आप पहले दीजिए वेट लिस्ट कैंडिडेट, ये आपके वेट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये आपके निर्देश हैं, क्या निर्देश हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिस्ट में दिए गए हैं उनको, ये लिंक है डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट, इन द लिंक है ये। तो इस लिंक पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। दिस कैंडिडेट शुड अपलोड दिस स्कैंड कॉपी, वो वैसे के वैसे स्कैन करके कॉपी को फिर आपने साइन करने हैं आपके खुद के और गार्जियन के साइन करके और फिर उसको अपलोड कर देना। टू द कन्फर्मेशन टू एडमिशन विल कम्युनिकेट टू द कैंडिडेट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड SMS। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके आधार पर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं उसके आधार पर आपको SMS किया जाएगा। उसके बाद आप फीस जमा करा देंगे। जो फीस कहाँ जमा करानी है, SBI कलेक्ट ये दे रखा है। फीस आपकी BEd की, MEd की एक ही है, फर्स्ट सेमेस्टर की 24,475। आई थिंक BA BEd की भी यही थी। और ये जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे, नॉन हॉस्टलर हैं, उनकी 13,475 रहेगी। SC ST PS की 5,000 ट्यूशन फी माफ हो जाएगी, 24 में से 5 जाएंगे तो 19,475 हो जाएंगे। SC ST PS की 8,475 हो जाएगी नॉन हॉस्टल की। ये फी के जो स्टेप दे रखे हैं। और जो कोई आपकी और इंक्वायरी हो, पेमेंट स्लिप है, ये स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ भेजनी है। और द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 2 नवंबर 2020 मंडे को होगी 9:30 बजे। गूगल मीट फॉर दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड 2/11/2020 को मंडे को 2:30 बजे फॉर वेट लिस्टेड। यानी सेम डे सब कुछ पूरा हो जाएगा, ये काउंसलिंग हो जाएगी और इसी को वेट लिस्ट कैंडिडेट यानी सेकेंड काउंसलिंग भी उसी दिन हो जाएगी जो सीट बच जाएंगी। ठीक है, ये गूगल मीट विल लिंक है वो 1 नवंबर को आपके पास भेज दिया जाएगा SMS या ईमेल ID के। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी, आपके लिए ज़रूरी थी वो मैंने बता दी है। और ये बार बार आपको ये RI भोपाल की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें, कोई हेल्पलाइन नंबर यहाँ दे रखें, डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ दे रखे हैं, स्कैन कॉपी वो, ये कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट CLC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी अगर हो कोई तो वो आपको, अगर मान लो RIE में ही पढ़ रहे हैं आप, BEd किया यहीं से MEd कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC यानी जनरल वाले को जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्ट यानी करेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र, मार्कशीट कक्षा 10 की जन्मतिथि के लिए, 12वीं की और डिग्री की 3 मार्कशीट और ग्रेजुएशन की, ये मतलब 3 मार्कशीट आपको चाहिए कम से कम। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर और स्कैंड कॉपी ऑफ द फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, ये चीज़ें आपकी ज़रूरी है। अंडरटेकिंग का फॉर्म यहाँ दे रखा है, यहाँ आपका नाम लिखना है और यहाँ आपके नाम वगैरह लिखे, आपके यहाँ पिताजी के साइन हो जाएंगे, नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर लिखना, आपका नाम आपके साइन और मोबाइल नंबर हो जाएगा जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। और काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ दे रखा है,
डेट ऑफ वेरिफिकेशन डेट ऑफ अपलोड द डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स, आज से ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, अभी से शुरू कर देंगे आप आराम से, 31 तारीख तक आपको अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन हो जाएगा इनका, ये सबको एक ही डेट है, एमएड बीएड सबकी एक ही है, और वेरिफिकेशन हो जाएगा 31 तारीख को शाम को वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये 1 बजे तक करेंगे ना, फिर शाम तक वेरिफिकेशन हो जाएगा। डेट ऑफ टाइम ऑफ काउंसलिंग 2 तारीख को आपकी 9:30 बजे से काउंसलिंग है सबकी एक ही टाइम पे। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, जो अब आप अपलोड किए कागज़ उसके हिसाब से आप जब पात्र पाए जाएंगे तो आपको फी का लिंक आएगा, यहाँ फीस जमा करा देनी है, जो आपको लिंक बताया गया है कहाँ कैसे जमा करानी है SBI वाला, तो वहाँ आपको 2 से 3 तारीख को फीस जमा करा देनी है। इस तरीके से आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग और वेट लिस्ट कैंडिडेट, वो भी उनका भी यही है, आपको कागज़ हैं वो कि 28 से 31 तक जमा करा, वेट लिस्ट वालों को भी काम करना है साथ साथ ही, और 31 तारीख तक आपको भी डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। और ये इनकी जो काउंसलिंग है वो 9:30 बजे से, और आपकी इनके बाद खाली रह जाएंगी सीटें, तो 2:30 बजे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। और डेट सेम की सेम ही है, और बाकी बस ये टाइम है ना, ये डिफरेंट है कि उनकी 9:30 से काउंसलिंग है और आपकी 2:30 बजे से काउंसलिंग है। अच्छा फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, हम बात करेंगे वेट लिस्ट कैंडिडेट्स की, तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।